सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो CBSE क्लास 10th हिंदी कृतिका में पहला पार्ट माता कांचल से संबंधित सभी MCQ टाइप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज की वीडियो में आप प्रैक्टिस करने वाले हैं। पूरी वीडियो ध्यान से जरूर देखते रहिए क्योंकि हमारी वीडियो का मकसद पास होना नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स लाना है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए अपने क्लास ग्रुप में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, भोलानाथ किसे देख करके सिसकना भूल जाते थे? अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने स्कूल को या अपने साथियों को? तो प्यारे बच्चों, भोलानाथ एक छोटा बच्चा है जो कि किसको देख करके वो भूल जाते थे सिसकना, रोना। तो बाल्यकाल में, बचपन में भोलानाथ अपने दोस्तों को, साथियों को देख करके सिसकना, रोना भूल जाते थे और उनके मित्र मंडली उन्हें अपने खेल में ले लेते थे। और दूसरा सवाल, भोलानाथ अपने साथियों के साथ निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेलते थे? नहीं, खेती करना, क्रिकेट खेलना, मिठाई की दुकान सजाना या बारात का जुलूस निकालना। भोलानाथ और उसके साथी अक्सर गांव में सभी खेल खेला करते थे, लेकिन इनमें से एक खेल ऐसा है जिसे वो नहीं खेला करते थे और वो खेल है क्रिकेट खेलना। तो प्यारे बच्चों, आप अपने आंसर भी टोटल करते जाइए, जितने आंसर आपके सही होते हैं। क्रिकेट खेलना वो नहीं खेलते थे। बुढ़वा बेमान मांगे करेले का चोखा कहकर किसे चिढ़ाया था? भोलानाथ एंड टीम पार्टी ने मोहसिन तिवारी को चिढ़ाया था, बूढ़े दूल्हे को, खेल बिगाड़ते पापा को या स्कूल के मास्टर को? बुढ़वा बेमान मांगे करेले का चोखा। तो प्यारे बच्चों, मुझसे पहले आपने सही आंसर देना है तभी आप अपना आंसर सही चेक कर सकते हैं। मोहसिन तिवारी को वो इस तुकबंदी से चिढ़ाया करते थे, ये सही आंसर है। और आगे चौथा सवाल, जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आए थे तब माँ क्या कर रही थी? तो माँ कुछ काम कर रही थी घर पे, क्या दाल बना रही थी, सो रही थी, चावल साफ कर रही थी या पानी भर रही थी? तो अपने सही आंसर को भी टोटल करते जाइए, सही आंसर है चावल साफ कर रही थी। जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर के आए तो उस समय वो चावल साफ कर रही थी। पांचवा सवाल, माँ ने भोलानाथ के घाव में क्या लगाया था? मरहम, नीम के पत्ते, पिसी हुई हल्दी या गरम तेल? तो अभी तक आपने अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसी तरह से आपके पास प्रैक्टिस टेस्ट मैं क्वेश्चंस लेके आता हूं। और इसका सही जो जवाब है वो है पिसी हुई हल्दी। और अगला सवाल है, लेखक का बचपन में अधिक जुड़ाव किससे था? अपनी माता से, अपने पिता से, अपने स्कूल से या माता और पिता दोनों से? बचपन में सबसे ज़्यादा लगाव जुड़ाव, तो इसका सही आंसर है अपने पिता से। वो बहुत करीब रहते थे, अपने पिता के साथ खेलना और घूमना और यानी कि सारे काम अपने पिता के साथ ही करते थे। अगला सवाल है, लेखक बचपन में अपने पिता के साथ खेलते थे, क्या कबड्डी, कुश्ती, घरौंदा बनाना घर में या कंचे खेलना? अपने पिता के साथ कौन सा खेल गेम खेलते थे? तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से कृतिका के गद्य और पद्य सभी पाठों के प्रैक्टिस टेस्ट में वीडियो आपके लिए तैयार की गई है, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में और चैनल पे भी मिल जाएंगे। और इसका सही जवाब है कुश्ती। अपने पापा के साथ वो कुश्ती लड़ा करते थे, कभी कभी पापा के मूछें उखाड़ लिया करते थे और जब पापा उतान पड़ जाते यानी कि उल्टे पड़ जाते तो क्या करता, उनकी छाती पर चढ़ करके कुश्ती उनसे लड़ा करता था। आठवां सवाल है, भोलानाथ एवं साथियों को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? बहुत सी शरारत करते थे भोलानाथ और उसके दोस्त, लेकिन एक ऐसी शरारत जो उनको महंगी पड़ी कौन सा? बारातियों को चिढ़ाना, चूहे के बिल में पानी डालना, गिल्ली डंडा खेलना या पापा की मूछें उखाड़ना? वैसे तो सारे ही शरारतें महंगी पड़ती है, लेकिन एक इनमें से बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी और वो था चूहे के बिल में पानी डालना, क्योंकि उसमें से निकल आता है सांप और सांप फिर इनको दौड़ाता है और ये दौड़ते दौड़ते अपने घर तक
पहुंचते हैं तो चूहे की बिल में पानी डालना इनको महंगा पड़ा। अगला सवाल, सांप के डर से भोलानाथ ने कहां शरण ली? पिता के पास, दोस्तों की टोली में, माता की आंचल में या अपने घर में? सांप के डर से चूहे की बिल में पानी डाला, सांप निकल आया तो सांप के डर से ये भागे और इन्होंने कहां शरण ली? तो फटाफट जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसका सही आंसर है माता के आंचल में, कहीं और नहीं बल्कि वो सीधा दौड़ते हैं माता के आंचल में छुप जाते हैं। दसवां सवाल, विपत्ति के समय बच्चे माता की शरण क्यों जाते हैं? माता की शरण में अक्सर क्यों जाते हैं? माँ बच्चे की गलतियाँ माफ़ कर देती है, माता का आंचल हमें भयमुक्त करता है, माता सहनशील होती है या माँ सारी मुसीबतें दूर कर देगी? तो वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को। और इसका सही आंसर है माता का आंचल हमें भय मुक्त कर देता है। दुनिया में चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम समस्या हो लेकिन हमें ऐसा लगता है कि माँ के आंचल में माँ जो है सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। इसका सही आंसर है। और अगला जो सवाल है, 11वां, लेखक का असली नाम क्या था? भोलानाथ, तारकेश्वर नाथ, हरकेश नाथ या शिव पूजन सहाय? लेखक का असली नाम, अपना नाम क्या था? चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से वीडियोज मिलती रहती हैं। और इसका जो सही जवाब है वो है तारकेश्वर नाथ। तो प्यारे बच्चों, भोलानाथ उसे प्यार से बोला करते थे जब पिताजी उसे त्रिपुंड और बबूद लगाते, लेकिन असली नाम इसका तारकेश्वर नाथ। 12वां सवाल, लेखक बचपन से ही किसके गले लग गए थे, किसके अंग लग गए थे? पिता के, माता के, माता पिता दोनों के या दोस्तों के? किसके अंग लग गए थे बचपन में लेखक, किसके अंग लग गए थे? और इसका सही आंसर है पिता के। तो प्यारे बच्चों, पिता के साथ खेलना, खाना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, सारे काम पिता के साथ, इसलिए बचपन से ही वो अपने पिता के अंग लग गए थे। और 13वां सवाल है, लेखक के पिता आटे की गोलियों का क्या करते थे? आटे की गोलियां वो गाय को खिलाते, गंगा में प्रवाहित करते, रोटियां बनाते या मछलियों को खिलाते? लेखक के पिता आटे की गोलियों का क्या करते थे? करेक्ट आंसर इसका बिल्कुल परफेक्ट। और इसका सही जवाब है मछलियों को खिलाते थे। वो नदी में तो बहाते लेकिन खासकर उनका मकसद होता था मछलियाँ खाएं, मछलियों को खिलाते थे। तो ये है आज की वीडियो आपके लिए, प्रैक्टिस टेस्ट कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। और बाकी प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको मैं जल्दी लेके आऊँगा, कृतिका के, बाकी क्षितिज के हमारे पास पहले से ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। ग्रामर का टॉपिक कोई भी टफ लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।